तो दोस्तों, अगर आप भी टिकटॉक यूज़र हैं एंड आपके पास भी यार कुछ यही वाला ऑप्शन आया जिसके बारे में मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने इस ऐप को यूज़ किस तरह करना है, मतलब कि टिकटॉक नाउ ऐप को आपने किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वीडियो को जाकर ज़रूर से देख लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। एंड इसका यार फ़ायदा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो कि आपके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे टिकटॉक पर, ठीक है। यहाँ के जो कि आपके फॉलोअर्स होंगे वो टिकटॉक पर भी शो किए जाएंगे, ठीक है। एंड इसका मतलब ये है कि आपकी जो कि रियलिटी होती है वो यहाँ पर शो की जाती है। मैंने इस पर पूरी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर अकाउंट किस तरह बनाना है एंड आपने इसको यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ सेटिंग्स निकल कर भी आती हैं कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है, मतलब इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आपने किस तरह से फिक्स करना है, जो कि आपको इसी चैनल पर सीखने को मिलेगी। एंड टिकटॉक की टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो कि आपको इस चैनल पर सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक नाउ ऐप के अंदर अपनी फोटो को वायरल किस तरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट फोटोज़ ही अपलोड होती हैं एंड यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ को वायरल किस तरह से कर सकते हो एंड फोटोज़ को अपलोड किस तरह करना है। यहाँ पर आप देखें, काफ़ी लोगों का माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हमने अपनी फ़ोटो को किस तरह से अपलोड करना है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, हम अपनी फ़ोटोज़ को किस तरह से अपलोड करें। यहाँ पर गाइज, असल में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 24 घंटे के बाद आपके पास खुद ब खुद 3 मिनट का टाइम आ जाता है। उस 3 मिनट में आपने अपनी फ़ोटो को अपलोड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, 15 घंटे 13 मिनट 28 सेकंड अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर और टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 15 घंटे के बाद यहाँ पर मेरा खुद ब खुद यहाँ पर एक टाइम आ जाएगा, ठीक है। 3 मिनट के अंदर मैं अपनी न्यू जो कि पिक्चर है वो ऐड करूँगा। यहाँ पर ये भी मेरी पिक्चर है, ठीक है, ये वाली। तो इस तरह से आप जो कि है वो डेली बेसिस पर यहाँ पर अपनी जो कि है वो पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपकी जो कि पिक्चर है वो किस तरह से यहाँ पर वायरल हो सकती है। तो आपने करना क्या है कि आपने जो भी पिक्चर यहाँ पर मेमोरीज के अंदर जो भी आपने पिक्चर अपलोड की होगी, ठीक है, आपने आ जाना जी यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने मेमोरीज के अंदर आपने जिस डेट को आपने पिक्चर अपलोड की होगी उस डेट पर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 23 डेट को यहाँ पर अपलोड किया, ठीक है। तो मैं अपनी पिक्चर पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसको यहाँ पर डिलीट करना चाहें तो वो भी डिलीट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपने इसको वायरल किस तरह करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है प्राइवेसी सेटिंग पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ्रेंड्स पर इस तरह से जो क्या वो होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको एवरीवन पर कर देना है। मतलब कि इससे होगा क्या कि जो कि आपकी पिक्चर है तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स में भी जाएगी एंड यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्सप्लोरर में भी जाएगी। मतलब कि जैसा कि टिकटॉक के अंदर होता है फॉर यू वाला ऑप्शन, यहाँ पर वो जो कि है वो फॉर यू में भी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो कि अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हो और 24 आवर्स के बाद यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर जो कि है वो अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। एक ही पिक्चर को आप 24 घंटे में अपलोड कर सकते हो एंड इस तरह से आपने अपनी जो कि प्राइवेसी को एवरीवन पर रखना है। एंड इस तरह से आप अपनी वीडियो को आप अपनी पिक्चर को वायरल यहाँ पर कर सकते हो एंड यहाँ पर अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम होती है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर आप ये वाली वीडियो जाकर जरूर देख लें, ठीक है। टिकटॉक नाउ ऐप को यूज़ किस तरह करना है।